दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। देखो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होगी और सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बज रहे हैं और ये हमारी मक्की इतनी बड़ी हो चुकी है। ये हमारे अदरक की क्यारियाँ, आपने बड़े पहले अदरक का मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो अब अदरक की जो हम क्यारियाँ हैं वो साफ़ कर रहे हैं, मतलब इस घास को निकाल रहे हैं, अनवांटेड जो घास है, और इतना ये अदरक हो गया है ये देखो। और ये रही हमारी हल्दी की खेती, और हल्दी की खेती मम्मी खड़े हैं, देखो बोला मेरा फोटो खींच बोले थी है ना मम्मी। और देखो परे तक मम्मी, मेरे पीछे तक तुम्हें देख रहे हैं हल्दी है ना मम्मी। सबसे बड़ी दुआ ये खरी फसलें पे, हाँ आहो ये है दोस्तों, हल्की हल्की बारिश हो रही है और तभी हम इस पेड़ के नीचे खड़े हैं। देखो मम्मी, जैसे बारिश बंद होती है फिर हम इस घास को निकालेंगे, का जो निकालने पाऊंगा हमें, ताकि भी आधा फिर खरा जम्मू ना है, खर निकलने आसानी हो इसको। जौरा देखो, गांव में सबसे खास बात ये है कि अपने घर की हल्दी हो जाएगी, अपने घर की अदरक हो जाएगा, और सौंठ इसकी बनती है जो पिसा हुआ है ना मम्मी, सौंठ से ही तो पिसा हुआ से पाउडर मिलाना दुकान से सौंठ हुई, और इतने फायदे होते हैं। और ऐसा कुछ मौसम हो गया, बारिश अगर ज़्यादा लग पड़ती है तो फिर हमें घर जाना पड़ेगा। और इसी बरखा जाना मम्मी वो गा बड्डा है, मतलब पहले तो इसी बरखा हाँ उन लगती है संदाली, मतलब पांच छह दिन बरखा लग रही है लगातार, तो बोला संदाली है ना। छतरी रेनकोट पर हुण बरखा च बड़ा गुणा का कोई नहीं बढ़ता गा, छुट्टी होनी बच्चों, हुण छुट्टियां खत्म हुई गई बरसाती रही, पर कुछ मौसम पुट्ठा जाएगा ना, बरखा पता नहीं बरखा हो रही है, तिखा ज्यादा हो रही है, तिखा ही नहीं करती, आई नहीं हमारे इलाके च, आई नहीं बरखा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बारिश है ही नहीं दोस्तों, सुखी गया ऐसे कुछ किस्से हिमाचल की पहाड़ी गपशप है ना मम्मी। ठीक है, था फिर जय श्री राम।